महाराष्ट्र में मौसम को लेकर मौसम विभाग की ताजा जानकारी सामने आई है। अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण देश में इस समय बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है। मुंबई, ठाणे और पालघर जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने आरोप लगाया कि जिन मराठाओं का भीड़ में हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और अगर अन्याय जारी रहा तो समुदाय सड़कों पर उतरेगा। उन्होंने महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने पैतृक गांव अंतरवाली सराटी में पत्रकारों से बात की। सीएम शिवराज ने महिलाओं से भाई दूज पर एक और वादा किया है। शिवराज ने बुधवार की सुबह सुबह मीडिया से मुखातिब होते हुए ऐलान किया कि वो राज्य की हर महिला को लखपति बनाएंगे और जिनके नाम लाडली बहना योजना में छूट गए हैं वो भी जोड़े जाएंगे। मशहूर बिजनेसमैन सुब्रत रॉय सहारा का मुंबई में निधन हो गया। सहारा परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय काफी दिनों से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और उनका इलाज मुंबई के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। उनका पार्थिव शरीर लखनऊ के सहारा शहर लाया जाएगा, जहां उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का पार्थिव शरीर मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल से निकलेगा और दोपहर 2 बजे उसके विशेष विमान से लखनऊ लाए जाने की संभावना है। मुंबई एयरपोर्ट पर दोनों ही जगह इसको लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मोहनलालगंज के अतरौली में मोमबत्ती और थर्माकोल फैक्ट्री समेत गोदाम में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 10 बार ब्रिगेड वाहनों से कर्मियों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री समेत सामान भरा गोदाम पूरी तरह जलकर राख हुआ, करोड़ों का हुआ नुकसान। यूपी के सुल्तानपुर में हाईवे पर शहदों की लाइफ पिटाई का वीडियो सामने आया। आरोप है कि शहदे स्कूटी सवार लड़कियों का पीछा कर वीडियो बना रहे थे। कई दिनों से पीछा करने से अजीज लड़कियों से सरेआम पिटाई शुरू कर दी। मौके पर भीड़ के हस्तक्षेप पर मामला शांत हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है वो बयान के जरिए नेताओं पर छींटाकशी कर रहे हैं। पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर में आग लगी हुई थी और पीएम राजस्थान का जिक्र कर रहे थे। राजस्थान के करणपुर इलाके के विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया है। कुन्नर लंबे समय से बीमार थे और उनका राजधानी दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। राजस्थान में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और गुरमीत सिंह कुन्नर इस बार भी श्री गंगानगर की करणपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। तेलुगु सिनेमा की रिपोर्ट के मुताबिक तमन्ना और विजय दोनों ही सीरियसली शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तमन्ना शादी करने को लेकर अपने पेरेंट्स के प्रेशर में है। विजय और तमन्ना के पेरेंट्स आपस में मिल चुके हैं और दोनों ही चाहते हैं कि कपल को शादी कर लेनी चाहिए। ये एक बड़ी हिंट है कि दोनों जल्द ही शादी कर सकते हैं।